हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है और आज आप सभी लोगों को मैं सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 की अनबॉक्सिंग और इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सैमसंग के जो A सीरीज के टैबलेट्स होते हैं ये थोड़े अफोर्डेबल और मिड रेंज पर आपको मिलते हैं, जहां पर उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो प्रीमियम टैबलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को इसकी सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। अब फटाफट से दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स में आपको सबसे पहले ऑब्वियसली आपका टैबलेट मिलता है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन से सिम इजेक्टर पिन मिलता है, 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है, लेकिन ये जो टैबलेट है ये 15 वॉट सपोर्ट करता है, और साथ में आपको टाइप सी केबल मिल जाए। तो बस यही सारे आपको बॉक्स में कंटेंट मिलते हैं। अब सीधे आते हैं दोस्तों हमारे टैबलेट की तरफ, और अगर मैं बात करता हूं इसकी बिल्ट की तो आपको प्रीमियम बिल्ट मिलती है। यहां पर आपको मेटल यूनिबॉडी डिजाइन मिलती है दोस्तों, और राउंडेड कॉर्नर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों एक्चुअली में होल्ड करने में ना ग्रिप यहां पर अच्छा देता है और एक प्रीमियम टच देता है। ये आपको दोस्तों 7mm की थिकनेस पर मिलता है, बहुत ही ज्यादा स्लीक है। मतलब सैमसंग अपने टैबलेट में ना इस चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, और 477 ग्राम का है। देखिए दोस्तों, जो वाईफाई और LTE इनमें एक आध दो ग्राम का फर्क होगा। साथ में ये जो टैबलेट, इसका जो फॉर्म फैक्टर है दोस्तों, ऐसा वर्टिकली उन्होंने यहां पर ज्यादा फोकस किया है। तो आप देखेंगे एक हाथ में मैं इस तरीके से टैबलेट को होल्ड कर सकता हूं, और साथ में अगर आपको कुछ टाइप करना हो तो आप डायरेक्टली ऐसे होल्ड करके इसमें आसानी से टाइप भी कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर आपको इसका फॉर्म फैक्टर मिलता है, और जो बिल्ट है वो आपको यहां पर वैसे काफी प्रीमियम मिलती है। कुछ पोर्ट्स की बात करूं दोस्तों, तो आपको नीचे टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक मिलता है एकदम कोने के अंदर है, आपको नीचे डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, आपको माइक होल मिलता है नॉइस कैंसलेशन के लिए, ऊपर की तरफ आपको और दो स्पीकर्स मिलते हैं, इसमें आपको क्वार्ट्ज स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है और डॉल्बी एटमॉस लगा हुआ है। साथ में आपको यहां पर राइट में पावर बटन वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, सेकेंडरी माइक होल भी आपको मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा लेफ्ट साइड में देखेंगे नीचे की साइड आपको सिम ट्रे मिलता है, जहां पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है, अगर आपको स्टोरेज एक्सपांड करना है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे दोस्तों, आपको इसमें मिलता है One UI 2.5 और Android 10 के ऊपर बेस्ड है, जहां पर दोस्तों obviously काफी स्मूथ आपका एक्सपीरियंस होगा। Samsung One UI तो काफी अच्छा चलता है, और इसमें दोस्तों आपको कोई भी फालतू के बैंड चाइनीज एप्स नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, कोई एड्स नहीं है, तो ऐसी कोई भी चीज आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि आपको इसमें Samsung Knox का सिक्योरिटी मिल जाता है। जी हां, यहां पर आपका टैबलेट बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगा विद Knox, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको यहां पर काफी कमाल की मिलती है। सॉफ्टवेयर में दोस्तों उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया है, वो है डीप इंटीग्रेशन, जहां पर दोस्तों क्या होता है कि Netflix और Spotify के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप किया है, और अगर आपको कोई भी चीज सर्च करनी है Netflix के अंदर या Spotify के अंदर, तो उन पर्टिकुलर ऐप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बाहर ही आपके टैबलेट के सर्च में सर्च करिए, और जो भी कंटेंट Netflix के अंदर है या Spotify के अंदर है वो आपको डायरेक्ट बाहर ही दिखा देगा, तो ये आपका काम बहुत ईजी कर देगा। साथ में एक और चीज दोस्तों, आपको YouTube का 2 महीने का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वो लोग फ्री दे रहे हैं, तो उसका भी आप फायदा यहां पर उठा सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करेंगे दोस्तों, आपको इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है, आपको सिंगल बैंड वाईफाई मिलता है, यस आपको GPS, और अगर आपको LTE वाला यूज करना है तो आपको 4G का सपोर्ट मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपको जो कनेक्टिविटी वाले फीचर्स है वो सब कुछ आपको मिलता है, और सेंसर्स भी दोस्तों आपको एक्सीलरोमीटर हो, जायरोस्कोपिक हो, ओरिएंटेशन, ज्योमेट्रिक, लाइट वगैरह, जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स का सपोर्ट है वो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है। बाय द वे दोस्तों, रैम और स्टोरेज के बारे में मुझे नहीं पता है कि कौन सा सपोर्ट है इसके अंदर, मे बी eMMC 5.1 हो सकता है स्टोरेज, और रैम शायद LPDDR4 या 4X हो सकता है, उसके बारे में श्योर नहीं। लेकिन यहां पर नॉर्मली जब मैं इसको यूज कर रहा हूं डे टू डे लाइफ में दोस्तों, तो ऐसा कोई भी लैग स्टटर मुझे नहीं दिखाई दिया, वहां पर ऐप ओपन क्लोज कर रहा हूं, मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, तो एक्सपीरियंस मेरा वहां पर स्मूथ था। तो आप जब इसको नॉर्मली भी यूज करते हैं, दूसरे वीडियोस देखना हो गेम के भी अलावा, तो आपको वहां पर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में दोस्तों आपको इसमें वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिलता है, अच्छी बात है, नेटफ्लिक्स एमेजॉन के कंटेंट्स अगर आपको स्ट्रीम करना HD में आप कर सकेंगे, और कैमरा टू API गूगल कैम अगर फ्यूचर में कंपेटिबल ऐप आता है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो की टेस्टिंग कर लेते दोस्तों, बनता ही है, क्वार्ट्ज स्पीकर्स मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस है, तो फुल वॉल्यूम पर चल रहा है। वाओ, ऑडियो एक्सपीरियंस दोस्तों सुपर होगा, स्टेरियो इफेक्ट है, लाउड है, बेस भी बढ़िया है, यहां पर आपको काफी मजा आएगा। सिक्योरिटी की बात करेंगे दोस्तों, आपको इसमें फेस अनलॉक मिलता है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, लेकिन फेस अनलॉक काफी अच्छा है। आप देखेंगे हमने अनलॉक किया और देखा तो ये ओपन हो गया, इस तरह से आपको शायद थोड़ा ज्यादा दिखेगा, आप देखेंगे हमने देखा और अनलॉक हो गया, तो काफी एक्यूरेट है मैं ऐसे बोल सकता हूं, तो आप उसका इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। अब डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको काफी बड़ी डिस्प्ले यहां पर मिलती है, 10.4 इंच की, यस आपको ये फुल HD+ वाले डिस्प्ले मिलती है, WUXGA, और ये TFT डिस्प्ले
में जहां पर आपको 80% से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और 2000x1200 आपको यहां पर रेजोल्यूशन मिलता है। अब जो डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों वो अच्छी है, ब्राइट है और व्यू एंगल्स भी मुझे यहां पर अच्छा लगा। तो जो पैनल उन्होंने इस्तेमाल किया है वो अच्छी क्वालिटी का है, कोई चीप क्वालिटी का नहीं है। तो यहां पर दोस्तों ऑब्वियसली जब आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, आप गेम्स खेलते हैं, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा। और स्पेशली दोस्तों हम टैबलेट यहां पर क्यों लेते हैं, हम वीडियोस ज्यादा देखते हैं, प्रोडक्टिविटी वाले काम ज्यादा करते हैं, तो यहां पर इस टैबलेट के जो डिस्प्ले में ना आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा है। और साथ में आउटडोर विजिबिलिटी भी दोस्तों इसकी अच्छी है, मैं बाहर लेके गया तो सनलाइट में भी काफी ब्राइट था, तो वहां पर भी आपको वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ओवरऑल दोस्तों जो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहां पर मिलती है वो अच्छी है, काफी बड़ी है, तो एक्सपीरियंस आपका यहां पर काफी अच्छा होगा। परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों तो आपको इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 662। यस, आपको ये जो प्रोसेसर है ये डिसेंट है, बैटरी इफिशियंट है, 11 nm वाला है और साथ में Arduino 610 आपको GPU मिलता है। जो GPU दोस्तों वो 600 सीरीज का है, तो डिसेंट है। और यहां पर दोस्तों ऑनेस्टली मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई किया, थोड़ा हाइपर सेट किया, इट वॉज वर्किंग फाइन, तो वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर आप दूसरे भी जो नॉर्मल कैजुअल गेम्स खेलना चाहे तो आप यहां पर कर सकते हैं। PUBG तो फिलहाल के लिए बैन है, लेकिन जब अनबैन होगा तो वो भी आप थोड़ा मीडियम पर सेट करेंगे तो वो भी आप जो वो खेल सकते हैं। तो गेमिंग दोस्तों होती है, आप चाहो तो इसमें गेम्स खेल सकते हैं, तो वहां पर भी आपका एक्सपीरियंस बुरा नहीं होगा। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, आपको कमाल की बैटरी मिलती है, 7040 mAh की बैटरी मिलती है। जी हाँ, और इसमें जो बैकअप मिलेगा आपको वो बहुत ही कमाल का मिलेगा। और ऑनेस्टली दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं 2 दिन से, बैकअप इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। और हाँ, 10W का चार्जर मिलता है तो ऑब्वियसली चार्ज करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन 15W के चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया, तो उससे थोड़ा और आप उसको फास्ट चार्ज कर सकेंगे अगर आपके पास वो चार्जर है या आपको परचेस करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल दोस्तों जो बैटरी बैकअप आपको उसमें मिलता है वो काफी कमाल का है, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस काफी सही रहेगा। कैमरे की बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको सिंगल रियर कैमरा मिलता है 8 MP का, फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं, थोड़े बहुत आपको पोर्ट्रेट AI वाले फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड किया है। और सेल्फी 5 MP की है, तो ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, यहां पर बीच में उन्होंने कैमरा दे दिया है। इसमें भी मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं और इसमें भी पोर्ट्रेट मिल जाता है, तो ठीक है। अब बात ये दोस्तों कि जब हम टैबलेट लेते हैं तो फोटोग्राफी के लिए नहीं लेते, आपको पता है उसके लिए स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, टैबलेट उस मामले के लिए नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहां पर जो पिक्चर क्वालिटी आई है दोस्तों वो डिसेंट है और इमेज प्रोसेसिंग यहां पर अच्छी है सैमसंग की। आप देखेंगे आपको कलर्स अच्छे मिलते हैं, बुके अच्छा निकल कर आया, एज डिटेक्शन अच्छा है और शार्प है दोस्तों, मैं ऐसे बोल सकता हूं। और ओवरऑल जो वीडियो भी आया दोस्तों वो भी डिसेंट यहां पर निकल कर आया, मैं आपको फुल HD सैंपल यहां पर दिखा रहा हूं, तो कुछ इस तरीके की वीडियोस आप शूट कर सकेंगे। और सेल्फी भी देखेंगे दोस्तों, सेल्फी भी अच्छी, हालांकि सेल्फी में बुके मुझे अच्छा लगा और शार्प है। और इंडोर और आउटडोर दोनों सैंपल्स मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, तो आप खुद स्क्रीन पर देख के अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। और सेल्फी वीडियो भी अच्छा है दोस्तों, स्पेशली जब आप वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उसके लिए आपको ये सेल्फी वीडियो काफी सही रहेगा, तो कुछ इस तरीके की आप वीडियो सेल्फी में निकाल सकेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी की। तो पहले तो दोस्तों 11 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम है इसको प्री बुक करने के लिए, जहां पर बहुत सारे आपको ऑफर्स मिलते हैं। प्राइस की मैं पहले बात कर लूं तो जो आपको वाईफाई वाला मिलता है वो 18,000 का है, और वाईफाई वाला आपको अमेजोन पर भी मिलेगा एक्सक्लूसिवली, और सैमसंग की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहां पर भी हो जाएगा। और जो LTE वाला है दोस्तों वो आपको 22,000 का मिलता है, ये आपको सैमसंग की वेबसाइट और उनके कुछ रिटेल आउटलेट से वहां पर मिल जाएगा। प्री बुकिंग पर फायदा ये होगा कि सैमसंग का जो ओरिजिनल बुक कवर है वो 4,500 का, लेकिन आपको उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा और 1875 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, तो वो एक अच्छा ऑफर आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। साथ में ICICI अगर आपके पास कार्ड है तो 2,000 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा, तो आप और भी पैसे वहां पर बचा सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों मुझे टैबलेट काफी डिसेंट लगा है, सैमसंग टैबलेट है, नॉन चाइनीज है, कोई ब्लोटवेस्ट नहीं है, कोई फालतू की आपको एड्स नहीं मिलेंगे, और नॉक्स सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आपको दे दिया है, डिस्प्ले काफी बड़ा है, कैमरा डिसेंट है, बैटरी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आपकी बजट अराउंड 20,000 के थोड़ा ऊपर है, उसके नीचे सैमसंग टैबलेट चाहिए, बड़ी डिस्प्ले वाला टैबलेट चाहिए, तो मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 यहां पर रेकमेंड करता हूं। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।